हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, एक कप है मेरे हाथ में। अभी देख सकते हैं, इस कप में मेरा फोटो है, मेरी माँ का फोटो है, मेरे पापा का फोटो और मेरे छोटा भाई का फोटो है। मतलब मेरा जो फैमिली है अपना, उस सारा का फोटो मैंने इस कप में मतलब करवाया हुआ है। देखिए, मतलब सिंपल सा कप है, चाय कॉफी पीने के लिए। दोस्तों अब इस कप को मैंने फ्री में मंगवाया, इसके लिए एक भी पैसा नहीं दिया। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से घर बैठे कैसे इस कप को फ्री से मतलब फ्री में मंगवा सकते हैं, अपने घर पर डिलीवर करवा सकते हैं। उसके लिए आपको एक पैसा नहीं देना है, केवल कप का पैसा देना है, फोटो का पैसा एक भी नहीं देना है। फोटो वाला जो है आपको फ्री मिलेगा। अब दोस्तों कैसे होगा आपको मोबाइल पर मैं सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। और दोस्तों उसके पहले एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो फोटो है, आप बाहर किसी दुकान पर करवाने जाते हैं या कप लेते हैं तो कप का अलग से पैसा लेता है वो दुकान वाला, और ये जो फोटो है फोटो के अकॉर्डिंग मतलब फोटो के अनुसार आपका अलग से पैसा मतलब आपको चार्ज करता है। सब कुछ मिलाकर आपको 4 से 500 तक पड़ जाएगा ऐसा कप लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए, आप कितना भी फोटो मतलब अपने कप में डलवा सकते हैं। मैंने देखिए अपने केवल अपने फैमिली का फोटो डलवाया हुआ, अपने मम्मी पापा का, एक भाई का। आप 10-20 जितना फोटो डलवाइएगा आ जाएगा। फर्क कितना रहेगा कि जितना अधिक फोटो डलवाइएगा फोटो का साइज कम हो जाएगा। तो ये कैसे आप फ्री में मंगवा सकते हैं, अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आपके घर पर आ जाएगा, वही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देखने का, तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको ऊपर सर्च करना है कप विद फोटो। देखिए सबसे ऊपर मैंने सर्च किया है पहले से कप विद फोटो, सिंपली इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आपको यहीं सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा कप आपको आ जाएगा जिस पर फोटो लगा हुआ है, तो किसी भी कप को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए 199 का कप है, सिंपली से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मैं कर रहा हूँ आपको सिंपली से वही करना है। यहाँ पे कप को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसको ऑर्डर नहीं करना है, पहले इसको नीचे आना है और इसका डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्स में चेक करना है। यहाँ पे क्या चेक करना है, देखिए यहाँ पर ऑल डिटेल्स पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑल डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिखा हुआ इतना कुछ, यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखा हुआ है, देखिए योर फोटो ऑन, ये एक मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपली से आपको जिस कप को मतलब आप बाय कर रहे हैं, तो बाय करने के पहले उस कप में ऐसे नीचे आइएगा और यहाँ पे ऑल डिटेल्स पे क्लिक करके उसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा कि यहाँ पे उसका नंबर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो नंबर का क्या काम है वो आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि नंबर अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो मतलब आप फोटो नहीं लगवा सकते। अब कैसे फोटो लगवाना है इस नंबर से मैं आपको बताऊंगा, कॉल नहीं करना है। अब बस आप प्रोसेस देखिए और समझिए। तो सिंपली सबको ऐसे ही करना है, डिस्क्रिप्शन ऑल डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे नंबर चेक करना है, क्योंकि हर एक पर मतलब सारे कप पर यहाँ पे नंबर नहीं मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कप ऑर्डर करते हैं और ऑल डिटेल्स पे आते हैं, डिस्क्रिप्शन में देखते हैं तो कोई नंबर नहीं है। तो सिंपली से आपको पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर चेक कर लेना है कि मोबाइल नंबर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अब देखिए यही कप मग है। अब यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, नंबर तो मेरे को मिल गया। और बाय नाउ के ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद हम इसको ऑर्डर कर देते हैं फ्लिपकार्ट से। आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम ऑर्डर करते हैं अपने प्रोडक्ट को, वैसे हम फ्लिपकार्ट से इस कप को ऑर्डर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैश ऑन डिलीवरी है, तो 50 रुपये हमको पहले पे करना होगा। तो यहाँ पे सारा कुछ ऑर्डर करके, जैसे आप ऑर्डर किया जाता है वैसे ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब फ्लिपकार्ट की तरफ से हमारे पास मैसेज आ जाएगा, देखिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। देखिए ऊपर मैसेज भी आ चुका है फ्लिपकार्ट की तरफ से कि हमने ऑर्डर कर दिया है। देखिए ये फ्लिपकार्ट की तरफ से हमारे पास मैसेज आ गया है। अब ऑर्डर करने के बाद दोस्तों अब आगे का प्रोसेस क्या क्या, नीचे आना है, ऑल डिटेल्स पे क्लिक करना है, और ये जो नंबर है आपको इस नंबर को अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लेना है, मतलब बाद में उसे डिलीट कर सकते हैं। देखिए ये नंबर है 9520062722, इस नंबर को आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करना है। तो यहाँ पर हम मोबाइल फ़ोन में इस नंबर को सेव कर लेते हैं, जो नंबर है मेरा 95 सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, इस मोबाइल नंबर से एक व्हाट्सअप होगा, देखिए सबसे ऊपर आ गया कप विद फोटो, सिंपली समय इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब इसको जी आपको अपने कप पर जो जो भी फोटो डालवाना है, सिंपली से क्या करना है आपको वो फोटो यहाँ पे सेंड कर देना है इनके पास। सेंड कर देता हूँ और इनके पास ये फोटो अपना सेंड कर देता हूँ। अब दोस्तों क्या होगा, आपको फोटो तभी सेंड करना है जब आप उस कप को ऑर्डर कर लेते हैं फ्लिपकार्ट से। अगर और सोचिएगा कि ऑर्डर करने से पहले ही मैं सेंड कर दूं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। सिंपली से आपको कप को पहले जाना है फ्लिपकार्ट पे, उसका डिस्क्रिप्शन चेक करना है और ऑल डिटेल्स पर क्लिक करके उसका डिस्क्रिप्शन चेक करना है कि उसमें एक नंबर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है।
नंबर मिल जाएगा, उस नंबर को आपको अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेना है और उसके बाद उस कप को आपको फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करना है, अपना नंबर अपना एड्रेस सारा कुछ जैसे आप ऑर्डर किया जाता है वैसे ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर करने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए हमसे मांगा जाएगा ऑर्डर आईडी, मतलब हमने जो ऑर्डर किया उसका ऑर्डर आईडी देना है। तो ऑर्डर आईडी देने के लिए सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट ओपन करना होगा एप्लीकेशन, उसके बाद नीचे अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, अकाउंट का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा नीचे। उसके बाद माई ऑर्डर का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली से माई ऑर्डर का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, जो भी आपने ऑर्डर किया प्रोडक्ट वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर हमने कप किया तो कप शो हो गया, उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है पे 149, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है ऑर्डर आईडी। तो सिंपली से हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ऑर्डर आईडी को हाईलाइट करके सीधे उस स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप पे उनके पास सेंड कर देंगे। तो देखिए हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो देखिए हाईलाइट करके स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको हाईलाइट करके हमने सीधे स्क्रीनशॉट को भेज दिया उनके पास। भेजने के बाद दोस्तों उनके पास एक सेकंड दो सेकंड के बाद देखिए यहाँ पे ओके मैसेज आ गया कि ठीक है ओके, अब आपका काम खत्म, बस आपको अब वेट करना है 5 से 6।